हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की ये जो वीडियो होगी वो ट्रांजिस्टर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है उससे संबंधित है, और जो आगे दो या चार वीडियो जो भी होगी वो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोवाइड करवाने वाला हूँ आप लोगों का, ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी क्वेश्चन है वो भी आपके सही हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ट्रांजिस्टर का जो अधिकांश होता है जर्मेनियम की तुलना में आप लोग सिलिकन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे देखो दो से तीन रीजन है। पहला मैं बता देता हूँ कि पहला तो रीजन ये है कि सिलिकन का जो बैरियर विभव होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, और जो जर्मेनियम का होगा 0.3 वोल्ट होगा। तो सिलिकन जो होगा वो कमरे के तापमान पर चालक नहीं बनता, पहला रीजन तो ये। दूसरा, जो सिलिकन की जो टेम्परेचर रेटिंग जो होती है वो 72 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है, जबकि जर्मेनियम की कितनी होती है? 72 डिग्री। तो इसी कारण ध्यान रखना जो तापीय स्थिरता होती है वो जर्मेनियम की सिलिकॉन की ज़्यादा होती है। अगला है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के टर्मिनल कौन से होते हैं? तो EBC यानी कि इमीटर बेस और कलेक्टर, तीन इसके टर्मिनल होंगे। अगला आपको दे रखा है कि कॉमन इमीटर है, आपको करंट गेन का फार्मूला पूछा है। तो सबसे पहले आप कॉमन इमीटर बनाएं, तो यहाँ E होगा, यहाँ C होगा, यहाँ क्या होगा? B होगा। तो करंट गेन क्या होता है? आउटपुट करंट और इनपुट करंट का अनुपात होगा। तो आउटपुट करंट क्या होगी? कलेक्टर, और इनपुट करंट क्या होगी? बेस। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, निम्न शक्ति का ट्रांजिस्टर जो होता है वो कौन से एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है? तो माइक्रोफोन जो होता है, जो आप सुनने के लिए इस्तेमाल करते हो साउंड वगैरह, तो वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जो पावर लाभ जो होता है, लाया नहीं है, पावर लाभ है, यानी कि पावर गेन के बारे में पूछा गया। तो पावर गेन जो होगा वो वोल्टेज और करंट दोनों का गुणा होगा, मतलब करंट गेन और वोल्टेज गेन का दोनों का क्या होता है? गुणनफल होगा। तो यहाँ आपका जो होगा बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से एम्पलीफायर का इस्तेमाल आप सबसे ज़्यादा पावर गेन के लिए करते हो? तो कॉमन इमीटर जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, शक्ति वृद्धि अनुपात का सही परिभाषा क्या होगी? तो आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाता है? पावर गेन कहलाता है। अगला है, BJT के अंदर जो बेस करंट होती है वो इमीटर करंट का कितना होता है? तो इमीटर करंट का ये लगभग 5% होगा। इसका मतलब ये हुआ कि I बराबर क्या होगा? IB प्लस क्या होगा? IC होगा। ये अगर 100 करंट है तो ये 5 हो जाएगी, और ये कलेक्टर करंट कितनी हो जाएगी? 95 हो जाएगी। अगला है, सबसे महंगी कपलिंग कौन सी है? तो पावर गेन को बढ़ाने के लिए आप लोग काम क्या करते हो? ट्रांजिस्टरों को कैस्केड मेथड में जोड़ते हो। तो सबसे महंगी कपलिंग जो होगी वो ट्रांसफार्मर कपलिंग होगी, और सबसे सस्ती कपलिंग अगर पूछा जाता तो RC कपलिंग होगी। अगला, यूनिटी पावर गेन एम्पलीफायर का अन्य नाम क्या है? तो ये इसको वोल्टेज अनुगामी या वोल्टेज फ्लोवर भी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ट्रांजिस्टर में बीटा का मान दे रखा है, IB करंट दे रखे और IE पूछा है। तो देखो, बीटा जब होती है तो ये कॉमन बेस इमीटर के अंदर होगा, तो यहाँ कलेक्टर करंट होगी, यहाँ क्या होगी? बेस करंट होगी। तो आपको देखो यहाँ से क्या निकालना है, इमीटर करंट निकालना है। तो आप लोगों को कलेक्टर करंट का पता होना चाहिए और बेस करंट का। बेस दिया है, कलेक्टर करंट निकलेगी, तो बीटा बराबर होगा वो क्या होगा? IC अपॉन में IB होगा। IB का मान यहाँ कितना दे रखा है? 5, और बीटा का मान दे रखा है 5 को, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2500। तो 2500 मिली एम्पियर करंट हो जाएगी कलेक्टर की, और 5 मिली एम्पियर ये, तो टोटल ईमीटर करंट कितनी हो जाएगी? 2505 मिली एम्पियर। अगर इसको आप लोग काम क्या करते हो, एम्पियर में चेंज करना चाहते हो, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो मतलब ये डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, ट्रांजिस्टर को पूर्णतः स्विच की तरह ऑन ऑफ, मतलब ऑन होता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो ट्रांजिस्टर की जब दोनों बाइसिंग जो होती है, इमीटर बाइसिंग और जो बेस बाइसिंग होती है, जब ये फॉरवर्ड बाइस में होगी तब ये काम क्या करता है? सेचुरेशन मोड में काम करता है, और इस कंडीशन के अंदर इसे ऑन स्विच की तरह काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आपको क्लासेस देखनी है तो एग्ज़ाम रिव्यू 22 जो मेरा नया यूट्यूब चैनल है, ठीक है, ये BCM का एक पार्ट है, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ क्लासें लगा रखी है मैंने। अगला, एक NPN ट्रांजिस्टर में बेस रीजन की पहचान के लिए निम्न में से कौन सी शुद्धि होगी? तो देखो, NPN के अंदर क्या होगा? बेस होगा ना, वो किसका होगा? पी प्रकार का अर्धचालक होगा। तो सिलिकन या जर्मेनियम में आप कौन सी शुद्धि मिलाते हो? त्रिशोजी, और त्रिशोजी के लिए आप लोग कौन इस्तेमाल करोगे? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो इनके लिए बोरोन आपका राइट आंसर होगा। अगला, BJT क्या है? तो BJT एक करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। अगला, BJT के अंदर मुख्यतः किस बाइसिंग का यूज इस्तेमाल किया जाता है? तो बाइसिंग मैंने आपको बताई थी, चार प्रकार की होगी,
तो यहाँ वोल्टेज डिवाइडर जो होती है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसमें जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है उसमें स्थिर मिलते हैं, यानी कि ट्रांजिस्टर होगा जितने टाइम तक आप इसको ऑपरेट करना चाहते हो उतने टाइम तक वो ऑपरेट हो सकता है वहाँ पे। तो ये बी ऑप्शन होगा। और अगला आपसे पूछ लिया कि कौन सी बाइसिंग के अंदर अधिकतम अस्थिर प्रचालन बिंदु होता है, तो ये बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला दे रखा है कि बीजेटी का प्रचालन बिंदु जो होते हैं आउटपुट अभिलक्षणों का वह बिंदु है जो प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन जो है, देखो आपको आउटपुट अभिलक्षण बताना है, तो ये ध्यान रखना बिना इनपुट के इमीटर वोल्टता और कलेक्टर करंट के बीच में होता है ये। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला एनपीएन ट्रांजिस्टर में एक्टिव रीजन में, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर आपको काम क्या करना है, एक्टिव रीजन है, तो जैसे ये इमीटर हो गया तो ये क्या होगा, एन पी और एन होगा। तो आप लोग काम क्या करोगे, बेस को काम क्या करना, इमीटर बेस की तुलना में देखो अगर इसको फॉरवर्ड बायस में लेना है ना, मतलब एक्टिव रीजन के अंदर, तो ये जंक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड होगी, जबकि ये क्या होगी, रिवर्स होगी। तो इसको फॉरवर्ड करने के लिए इसको प्लस देंगे, इसको क्या देंगे, माइनस। तो मतलब क्या होगा, इमीटर जो होगा बेस की तुलना में क्या होता है, नेगेटिव होगा। मतलब ये कौन सा पार्ट होगा, इमीटर, ये कौन सा होगा, बेस। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला है ट्रांजिस्टर के सी विन्यास में इनपुट और आउटपुट के मध्य कलांतर कितना होगा, तो ये 180 डिग्री होगा, जबकि कॉमन कलेक्टर और जो कॉमन बेस होगा इनमें 0 डिग्री होगा। अगला दे रखा है कि आईबी का मान 25 मिली एम्पियर है और आईसी का मान कितना है, 4.975 है, और आई का मान पूछा। तो देखो आई जो होगा वो क्या होगा, ये आईबी प्लस आईसी का मान होगा, और इसको आप लोग काम किया और मिली एम्पियर में चेंज कर लो, तो मिली एम्पियर में जब चेंज करोगे तो ये तो 25 हो जाएगा और ये 4975, इनको जब जोड़ेंगे तो 5000 मिली एम्पियर हो जाएगा, और इसको एम्पियर में चेंज करना है तो आप क्या करें, 1000 से डिवाइड कर दें, तो 5 एम्पियर आपका राइट आंसर होगा। अगला है ओबेनिस्ट बेस ट्रांजिस्टर की निवेशी प्रतिबाधा क्या होती है, तो देखो ओबेनिस्ट बेस है मतलब कॉमन बेस है क्या बारे में आपको बात कर रहा है, ये ऐसे होगा, ये बेस होगा, ये इमीटर होगा, ये कलेक्टर होगा। तो देखो निवेशी प्रतिबाधा बतानी है आपको, तो कलेक्टर के प्रतिरोध ज़्यादा होगा और जो इमीटर होगा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला ट्रांजिस्टर किस रूप में प्रचालित किया जा सकता है, तो सभी प्रकार के, 4 मोड होते हैं, सभी मोडों में काम में लिया जा सकता है। अगला निवेशी की तुलना में निर्गत कलांतर में कला में व्युत्क्रम 180 डिग्री घटित होता है, ये कौन सा जो होता है, किस में होता है, तो ये भी आपको मैंने बताया था कि जो 180 डिग्री का जो फेज डिफरेंस होगा वो कॉमन इमीटर में होगा, तो यहाँ सी ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला दे रखा है आपको कि उबेनिस्ट उत्सर्जक ट्रांजिस्टर की धारा लब्धि है 50, ठीक है, उबेनिस्ट बेस होगा यहाँ पे, और बेस धारा दे रखी है और आपको उत्सर्जक धारा पूछी है। तो देखो इमीटर करंट के लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कलेक्टर करंट का पता होना चाहिए, तो उबेनिस्ट बेस होगा, तो ऐसे होगा ये, ठीक है, ये उबेनिस्ट बेस नहीं होगा, उबेनिस्ट क्या होगा, उत्सर्जक होगा, ये आप लिख ले। तो यहाँ आपको काम क्या करना है, करंट लाभ दी दे रखी है आपको, और उबेनिस्ट उत्सर्जक के अंदर क्या होगा, ये बेस होगी करंट, ये कलेक्टर करंट होगी, तो आउटपुट करंट का और इनपुट करंट का जो अनुपात होगा वो करंट गेन कहलाता है, इसका मान आपको दे रखा है 50। तो 50 यहाँ बीटा करंट है, इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा 250 मिली एम्पियर कलेक्टर करंट आ जाएगी, और ईमीटर करंट निकालनी है तो दोनों का क्या होगा, जोड़ होगा, तो 250 तो कलेक्टर करंट होगी और 5 मिली एम्पियर कौन सी है, बेस करंट, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 255। अगला है ट्रांजिस्टर जो है गलत अगर अभिनत हो जाता है तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका भंजन हो जाएगा, मतलब ट्रांजिस्टर की जंक्शन क्या होगी, खराब हो जाएगी। अगला है कि बीजेटी में आधार सबसे छोटा क्या होता है, तो सबसे छोटा क्षेत्र जो होता है वो बेस का होगा, सबसे बड़ा अगर पूछा जाता है तो कलेक्टर का होगा। अगला एक ट्रांजिस्टर है उसका जो गेन दे रखा है 1000 है और आधार करंट दे रखे है, कलेक्टर करंट पूछी गई है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 100 बराबर क्या आएगा, कलेक्टर करंट बटा में क्या आएगा, बेस करंट, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 मिली एम्पियर, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/10, और 1/10 का कितना मान आएगा, 0.1 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि बीजेटी में कितनी परतें होंगी, तो बीजेटी के अंदर जो परतें होंगी वो 3 होगी। अगला एक इमीटर अनुयामी की आउटपुट प्रतिबाधा क्या होगी, तो कॉमन कलेक्टर जो होता है उसको इमीटर फ्लोवर कहा जाता है, तो इसका मैंने अभी आपको बताया था आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगला है निम्न में से कौन सा जो है बीजेटी में प्रारंभिक संकेत देता है, तो ये जो होता है वो आधार संकुचन जो होता है,
मतलब अगर इसके अंदर बेस का जो मान होगा वह जो ड्रॉपिंग की जाती है वो कम की जाती है, और इसका एरिया जो होगा वो क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। तो इसी कारण यह है धार संकुचन के कारण प्रारंभ में करंट का फ्लो होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चन और भी हैं, क्योंकि लगभग क्वेश्चनों की संख्या जो इसमें 60 है। तो बाकी जो बचे हुए 30 क्वेश्चन होंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले। तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।